एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लगातार एग्जामिनेशन में दिखते आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 1978, 1975, 1982 एंड 1912। जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1978। इससे रिलेटेड और क्या होगा कि अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ, इस क्वेश्चन को बदल दे और कहे कहाँ स्थापित हुआ, तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। वैसे ही अगर भारत के लिए बात करें कि भारत में कब स्थापित हुआ, तो भारत में स्थापित हुआ था 1959 में, 1959 में। जगह कौन सी होगी, जगह थी न्यू दिल्ली। और इससे रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखता है वो दिखता है, जैसे प्रसार भारती, जो हमारा प्रसार भारती का जो ये होना शुरू हुआ प्रकाशन, वो कब से शुरू हुआ। तो प्रसार भारती जो थी उसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 23 नवंबर 1997 को, और प्रसार भारती अधिनियम जो है वो 1990 में लाया गया था। तो ये दूरदर्शन केंद्र से स्थापित होने से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे। जैसे अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, जवाहर सिंह, मैडम ब्लावात्स्की और मनमोहन सिंह। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो मैडम ब्लावात्स्की और जो कर्नल हेनरी थे, कर्नल हेनरी, इनके द्वारा न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 को थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वहीं भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत में 1882 में ये मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जो स्थापक थे वो थे आपके अडियार साहब, और इसी से आपके एनी बेसेंट, जो आगे चलकर कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, एनी बेसेंट इसी थियोसोफिकल सोसाइटी से, मद्रास वाले सेक्शन से वो जुड़ी थी 1889 में। तो ये थे आपके इस क्वेश्चन का जवाब। अगला है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ऑब्वियस बात है, इसके आंसर हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन है अली जिन्ना, दूसरा है बैरम खां, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है राम मनोहर लोहिया, और पांचवा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। हम लोग सभी जानते हैं 1917 चंपारण सत्याग्रह में ही सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन आता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन है 56, 42, 76, 64। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के पार्ट 4A में है, 4A में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग जोड़ा गया है, जो हम लोग कह सकते हैं कि रसिया से, यूएसएसआर से प्रभावित होकर हम लोगों के द्वारा हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। 42वां से रिलेटेड ही आपका एक अगला आता है, 44वां संशोधन, जो 1978 में आया था, और कहा जाता है कि 42वां का ये जस्ट ओपोजिट संशोधन था। फिर क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, अघोर कामिनी देवी, और उपरोक्त में से कोई नहीं, और मोर देन वन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त के सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम रखा गया था जीरो ऑपरेशन, जिसका नाम था जीरो ऑपरेशन। और इसी में सभी जो भी बड़े बड़े नेता थे इस आंदोलन से जुड़े हुए, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया था, और इनको गिरफ्तार करके रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में। ठीक है, जहां से ये भाग जाते हैं, और भागने के बाद आजाद दस्ता नाम का एक संगठन, जिसको कहा जाता है गोरिल्ला वार करने के लिए, उस प्रकार के एक संगठन का ये निर्माण करते हैं। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि इस आजाद दस्ता फौज के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ था, कि एक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था उषा मेहता के द्वारा, एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था उषा मेहता के द्वारा, और उस रेडियो स्टेशन का जो नाम था वो था द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो
तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लगातार दिखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सत्य की खोजने वाला, सत्य की राह खोजने वाला अर्थात सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे, अघोर कामनी देवी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो 1873 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था नारी शिक्षा, छुआछूत को दूर करना, इन सभी को बातों को लेकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है दीवान चमनलाल, आचार्य एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय के साथ साथ, जो लाला लाजपत राय थे उनके साथ साथ मल्हार जोशी थे, ठीक है, और मल्हार जोशी थे और जोसेफ बैपिस्टो थे, जोसेफ बैपिस्टो, इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें लाला लाजपत राय को फर्स्ट चेयरमैन यानी प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें दीवान चमनलाल जो है इनको जो था वो महामंत्री बनाया गया था उस समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु कि कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? मान लो कि अभी चुनाव हुए नहीं हैं, चुनाव होने वाले हैं, और कैंडिडेट जो जिसने नॉमिनेशन भरा उसकी डेथ अगर हो जाती है, इन दैट केस पार्टी कितने दिन के अंदर दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देगी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 7 दिन, ठीक है, सी हो जाएगा 7 दिन। फिर पूछा गया किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो न्यायपालिका के बारे में जहाँ तक कहा जाता है तो रूस की न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र नहीं है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वो इस्तीफा जो दिया गया था, ऑप्शन जो आपका दिया गया, दीप नारायण सिंह, मथुरा सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, बलदेव सहाय। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलदेव सहाय। फिर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शयन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपको देखिएगा आश्रय का अधिकार, शयन का अधिकार, ये सारे चीजें अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गोलकनाथवाद 1965, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, एस आई बोमईवाद 1994। तो ध्यान देना इसमें गोलकनाथवाद जो था वो 1967 में हुआ था। तो आपका ये जो है ये गलत दिया हुआ है, सो का आंसर हो जाएगा इसमें ए। फिर पूछा गया बिहार के मुंगेर में 1922 और 23 में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबेर और यदुनंदन शर्मा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद जुबेर। फिर आता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी जो कर्तव्य है उसका उल्लेख कहाँ किया गया? मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं उसकी सूचना या उनका इन्फॉर्मेशन वो राष्ट्रपति तक कम्युनिकेट करते हैं। ये संविधान के आपके किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को ऐसा काम करना चाहिए? ऑप्शन जो दिया हुआ है 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 78, 78 में ऐसा वर्णन किया हुआ है। फिर पूछा गया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14, जिसमें आपका राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार है। तो समता के अधिकार के लिए कहा जाता है ये भारत के नागरिकों के साथ साथ फॉरेनर्स को भी एवेलेबल है, सो दैट इज फॉर सिटीजन्स एंड एलियंस बोथ। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। वहीं पर अगर हम बात करें आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये जो हैं ये केवल हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइडेड हैं।
ठीक है। फिर है काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों, काकोरी कांड को किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, और फिर नौजवान भारत सभा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में, जिसकी स्थापना HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा किया गया था। और काकोरी कांड में इसी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट रोल था। फिर है अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, AN रॉय, BD सावरकर, जयप्रकाश नारायण एंड मोर देन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MN रॉय। MN रॉय के द्वारा 1940 में अतिवादी लोकतंत्र रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने देखा था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में की गई थी। अब की पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, जो किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। फिर आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? कोलकाता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, मुंबई अधिवेशन 1904। तो ये आपको किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में जाके कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। बनारस अधिवेशन में नहीं हुआ था, 1907 जो था ये सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस का दो पार्ट हो जाता है। फिर पूछा गया क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की स्वीकृति संसद के द्वारा कितने माह के भीतर किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 माह, 2 माह, 3 माह और 45 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 2 माह, ठीक है। समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसके द्वारा किया गया था? महादेव देसाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री कृष्ण सिंह, NG रंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा NG रंगा, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फिर पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? ये संरचना का जो उल्लेख है वो किया हुआ है आर्टिकल 170 में। फिर निम्नलिखित पार्टियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जो नहीं करने वाले में थे, उसमें हिंदू महासभा भी थी, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस तो सपोर्ट में ही थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी। यानी इन तीनों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था, यानी समर्थन नहीं किया था। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मोर देन वन। फिर हो जाएगा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव जो थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास। जैसा हम लोग जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, 1930 में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया था? तो वो आपका ऑप्शन है सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, CR दास, राहुल सांकृत्यान। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहजानंद, स्वामी सहजानंद। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद एंड मोर देन ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद। फिर है निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं? लोप उपक्रम समिति, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो होता है वो टोटल 22 मेंबर होते हैं लोक उपक्रम समिति में, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इसमें निचले और ऊपरे सदन दोनों सदनों के मेंबर हैं। प्राकलन समिति एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। फिर लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर
फिर है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। और 1507 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो अंग्रेज किससे लड़ाई किए थे वांडीवास युद्ध जो कर्नाटक वार भी कहलाता है, वो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इसका विवरण भी अच्छा लगा होगा। थैंक्स।